अंधारित्र में डाला कचरा, पूरी तरह से डाला कचरा, ए को भी खतरा, वी को भी खतरा और सी को मिल गया संतरा। हाँ जी, गर्मी में संतरा देखो कैसे मिल जाएगा। तो संतरा ऐसे मिलेगा, सी को फायदा होने वाला है जी, जैसे ही आपने पूर्णतः भर दिया ना, तो निर्वात से ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो, पैरा विद्युत बढ़ने से आवेशों के बीच में रख दो, एफ को खतरा, ई को खतरा, वी को खतरा, यानी वो सब घटेंगे, लेकिन सी को मिलेगा संतरा। तो देखिए कैसे, जैसे मान लो आपके पास में ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट है, संधारित्र है, इसकी प्लेटों के मध्य पूर्णतः क्या भर दिया, पैरा विद्युत माध्यम भर दिया। पहले तो प्लस प्लस दिखा देता हूं, समांतर ऐसे लिख दो, उपर्युक्त चित्र के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों पर क्यू आवेश उपस्थित है, जिसकी, यहां देखो लैंग्वेज चेंज करते करते रिमिक्स में यहां माइनस कर दो, ठीक है, तो ये जिस पर है प्लस क्यू है और इस पर है माइनस का क्यू, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस का, इसका हो जाएगा माइनस सिग्मा, परिमाण में सिग्मा ही लेंगे जी। इसमें विद्युत क्षेत्र है कि दिशा ई प्लस से माइनस की ओर, प्लेटों के मध्य की दूरी डी, प्लेटों का क्षेत्रफल है ए, और इसके मध्य भर दिया जाता है क्या, ऐसे थोड़ा सा डैश डैश करके दिखा देना, प्लेटों के मध्य पूरी तरह से, पूरी तरह से प्लेटों के मध्य क्या भर दिया, एक एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक वाला पैराविद्युत माध्यम भर दिया, कागज भर दिया या ऐसा कोई पानी भर दिया, तेल भर दिया, ऐसा कुछ कचरा भर दिया एक जैसा, यानी एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक वाला इसके अंदर भर दिया, तो क्या हुआ। अब आपको पता है माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब कोई प्लेट होती है उसके पास में यदि माध्यम रख दिया जाता है तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पीडीएफ लास्ट में चलेगी वीडियो के रूप में, पूरा नोट्स देख लेना, लैंग्वेज बाकी क्या माना है, ये उपर्युक्त चित्रानुसार ये बातें आप खुद लिखोगे, उसके बाद में गणित वाली, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हम जानते हैं जी क्या होता है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व बट्टा एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर क्या होता है पैरा विद्युतांक के माध्यम होता है। अब जी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, क्यू बटा ए, तो सिग्मा का मान रखो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ठीक है, समीकरण नंबर है एक, प्लेटों के मध्य विभवांतर है, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर है, तो विभवांतर का तो एक ही विभवांतर है, विभवांतर है ई वी बराबर एक ही सूत्र होता है, ई गुणा प्लेटों के मध्य की दूरी समीकरण एक से, तो समीकरण है एक से, तो वी बराबर क्या हो गया Q गुणा डी बटा ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन है आर है। अब हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, क्योंकि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र देखो एप्सिलॉन आर बटा में ज्यादा आ गया तो ई भी कम हो गया, यहां बटा में आ रहा है तो वी भी कम हो गया, धारिता सी बराबर हम जानते हैं उपस्थित आवेश बट्टा विभवांतर क्यू बट्टा वी। अब समीकरण नंबर दो इसको दे दो, तो समीकरण है दो से, समीकरण है दो से, तो सी बराबर क्यू बट्टा वी, वी का मान रखना है, तो यहां थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में जैसे ही आता हूं ना ऐसे तो आपको सही दिखाई देता है, तो यहां पर है, अब देखो सी बराबर क्यू बट्टा, यह ध्यान से देखो, यह मान रखो क्यू डी, और यह आपके पास में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन ए गुणा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन है आर, क्यू से क्यू कैंसल, ये ऊपर चला जाएगा, और सी बराबर मैं इसको ऐसे लिखूंगा
एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अब देखो आप जानते हो ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होती है ना, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, यानी सॉरी निर्वात में इसकी जो धारिता होगी वो हो जाएगी। तो सी मीडियम रख दिया तो एप्सिलॉन आर गुणा क्या हो जाएगी, सी नोट हो जाएगी निर्वात की विद्युत, ये निर्वात की धारिता हो जाएगी निर्वात में। अतः है समांतर प्लेट संधारित्र है कि प्लेटों के मध्य पूर्णतः पैरावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता निर्वात की एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, यानी धारिता की बले बले हो जाती है, धारिता का मान बढ़ जाता है सी एम बराबर एप्सिलॉन आर सी नोट। तो दो नंबर तक का या कोई न्यूमेरिकल आ सकता है या डेरिवेशन आ सकता है, तैयार रहिए, चित्र बनाइए, चित्र के बारे में लिख दीजिए प्लस क्यू आवेश उपस्थित, सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है, ए उसका एरिया है और सिग्मा बराबर तुम लिख के माध्यम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का सूत्र लिखो ये क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, उसके बाद में वी का लिखो वी बराबर ये लिखो और सी बराबर क्यू बटा वी कर दो, और जैसे ही करोगे भाग लगाओगे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बटा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सी मीडियम बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर गुणा सी नोट हो जाएगा। अब ये वीडियो थोड़ा छोटा ही है, एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं आपको, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं इस पर है। न्यूमेरिकल क्या है, 4.9 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर है 4.9 है, वो ये कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 4.9 वो ये कहता है कि आपके पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, a बराबर 100 सेंटीमीटर² दे रखा है क्षेत्रफल दिया है, उसके बाद में प्लेटों के मध्य की दूरी d बराबर 1 मिलीमीटर है, प्लेटों के मध्य की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, यानी v बराबर कितना देर का है 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है और उस पर आवेश संचित हो जाता है q बराबर 0.12 माइक्रो कूलाम आवेश हो जाता है, तो प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का पैरावैद्युतांक बताइए। अब देखो इतनी बड़ी संख्या तो याद रहती नहीं है, तो अब देखो a बराबर 100 सेंटीमीटर², पहले तो एरिया दिया 100 × 10⁻⁴ और यह 10⁻², मीटर² में चेंज करो, SI में चेंज करो, 1 मिलीमीटर का मतलब 1 × 10⁻³ मीटर, और उसके बाद में वी देर का SI में इसको भी चेंज करो, यह 0.12 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ कूलाम। अब आप जानते हो कि माध्यम रखने से सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अब देखो यहां पर आपको ने तो एरिया दे रखा है, डी दे रखा है और एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसकी सी नहीं दे रखी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसी सूत्र को क्या लिख सकते हैं, सी का एक सूत्र यह होता है, एक सूत्र हमारा क्या होता है आवेश क्यू बटा विभवांतर वी होता है, यानी पहले आप सी ज्ञात कर लो या दोनों की कंपेरिजन कर लो, एक ही बात है। तो मैं इतना सा पार्ट लेके चलता हूं, इतना सा पार्ट यानी यह भी एक सूत्र होगा, एक तो अभी हमने पढ़ा है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बटा क्यू बटा डी, हमें चाहिए एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर बराबर तिरछा गुणा कर दो क्यू गुणा डी, और यहां पर तिरछा गुणा करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए गुणा वी। अब देखो यह सूत्र बन जाएगा, अब क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास में, आवेश का मान है 0.12 × 10⁻⁶ कूलाम, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10⁻³, और बटा यहां पर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻½, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 10⁻², और उसके बाद में ये v की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 वोल्ट। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूंगा तो फिर फालतू डिजिटल टाइम बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉपी पर आप खुद हल करिए, और इसका आंसर आ जाएगा 11.3 जिसका कोई मात्रक है नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पूर्णतः भरा हो तो धारिता एप्सिलॉन निर्वात की यह बढ़ जाती है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और
वो क्यू बटा वी के बराबर ही होती है। तो ये एक हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। धन्यवाद। तो हमने पढ़ लिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हो। इसका चित्र देखो, चित्र के बाद में इसके चित्र अनुसार लैंग्वेज लिखो। ई बराबर ये समीकरण नंबर एक बनाओ, सिग्मा का क्यू बटा ए लिखो, ई बराबर क्यू बटा ए लिख दो, वी बराबर ई गुणा डी लगाओ, उसके बाद में संधारित की धारिता सी बराबर क्यू बटा वी कर दो, कैलकुलेशन कर दो, सी बराबर एप्सिलॉन ऐसे आ जाएगा सी नोट गुणा। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रखने पर संधारित्र की धारिता का मान निर्वात की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाता है। अगला वीडियो हमारा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि परावैद्युत माध्यम कितना हो, टी मोटाई का हो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर करके पहुँचाओ। धन्यवाद। जय हिंद विद्यार्थियों।